देश में चौकीदारी को मौसम चल रहा हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता चौकीदार बने फिर रहे, चाहे लखपति हो, चाहे करोड़पति, चाहे अरबपति, सबरे चौकीदार बन रहे। लेकिन असली चौकीदारों की हालत का है, जहां हम आपको बता रहे बुंदेलखंड से। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला को प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र खजुराहो, इतने 51 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जो भारतीय पुरातत्व विभाग में काम करते, उनकी अचानक नौकरी छीन ली गई। ये 51 लोग अपने परिवार के इकलौते आय के स्रोत थे। पिछले 5 महीना से इन्हें वेतन नहीं मिली और हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी इनको नौकरी से निकाल दो गाओ, जो आरोप है। लेकिन ये 51 लोग हैं कौन? दरअसल ये 51 लोग हैं खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों के चौकीदार। जी हाँ, ये 51 लोग न केवल इन मंदिरों की सुरक्षा करत, बल्कि साफ सफाई से लेकर पूरी देख रेख को काम इन लोगों के हाथ में हतो। लेकिन अचानक से इनको नौकरी से निकालवे को आदेश आ गओ, बिना कोनो बड़ी सूचना के। इसके प्रधानमंत्री है, हो सकते हैं, मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूं कि वो देश के प्रधानमंत्री चौकीदार है। रियल में चौकीदार तो हम हैं, जो 24 घंटे मंदिरों पे गर्मी धूप बरसात चाहे जो भी हो, हम वहां पे जाके उनकी धरोहर की, भारत की सभ्यता की हम लोग रक्षा करते हैं और करते आ रहे थे। चौकीदार तो हम हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि इस देश में चौकीदार होने की सजा ये मिल जाती है, जो आपको 5 महीने 6 महीने वेतन नहीं दिया जाए, आपको 10-15 साल एक कैजुअल दैनिक श्रमिक के रूप में काम कराने के बाद आपको लात मार के हटा दिया जाए, आपको घर से बेघर किया जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि ये चौकीदार का काम होता है। वो चौकीदार का काम करे, चौकीदार का हम काम कर रहे थे। चौकीदार के मध्य प्रदेश के जो दैनिक श्रमिक के लोग हैं वो काम कर रहे थे और धरोहर की रक्षा कर रहे थे। तो इस चौकीदार को हटा के वो अपना नाम ले रहे हैं कि चौकीदार है, चौकीदार हम है, चौकीदार वो नहीं है। एक दो नहीं, पूरे 51 परिवार भुखमरी के कगार पे हैं, कहे के 5 महीना से तनख्वाह नहीं मिली और अब अचानक से नौकरी से निकालवे की हालत आ गई। ऐसी स्थिति में सीधे तौर पे मंदिरों की रक्षा करवे वाले, मंदिरों की सुरक्षा करवे वाले, मंदिरों की देखरेख करवे वाले, अपने आप को मंदिरों को चौकीदार बतावे वाले ये श्रमिक अब बदहाली के कगार पे हैं और प्रदर्शन करके आत्मदाह करवे तक की चेतावनी दे रहे। अभी एक को अटैक आ गया है, अगर उनको कुछ भी होता है, एक को ग्वालियर रेफर किया गया है, उनकी हम लोग कामना करते हैं अच्छे से हो, उनका फैमिली वहीं पे है, लगातार हम लोग उनसे संपर्क में बने हुए हैं और बाकी की थोड़ी सी स्थिति ठीक है। अगर उन लोगों में किसी को कुछ होता है तो इसकी सारी जवाबदेही हम SK सिंह को और DG मैडम उषा शर्मा जी हैं और वो राकेश लाल साहब हैं, उनकी और SS साहब को जवाबदेही देंगे, क्योंकि उन्हीं का किया हुआ और उनके परिवार को या उनको या जिनको अटैक आया कुछ भी हुआ, उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है और वो इलाज के लिए भी पैसा उनके पास नहीं है। आप समझ सकते हैं कि उनकी स्थिति क्या है, लेकिन इन लोगों के अंदर में कोई दया नाम की चीज़ नहीं है। स्टाफ की तरफ से आपकी पूरे साथियों को क्या मदद मिल पाई है अभी तक? जहाँ तक हो सका है, हम जो भी हुआ है 2-4 जो भी 100 रुपये हम व्यवस्था कर लिए हैं, अगर उनके पैसे की व्यवस्था नहीं तो कल हम पूरे मार्केट में घूम के पैसे इकट्ठा करेंगे, पूरे खजुराहो बाजार में घूमेंगे, पैसे इकट्ठा करेंगे और उनको भेजेंगे कि वो अपना सही तरीके से इलाज करा सके। नहीं पता कि देश में कितने चौकीदार की हालत में हैं, नहीं पता कि जो लोग अपने नाम के आगे चौकीदार लिखाए फिर रहे वे कैसे हैं, लेकिन ये 51 लोग निश्चित तौर पे मंदिरों की सुरक्षा के कर्मी हैं, मंदिरों की देख रेख के जिम्मेदार हैं और इनकी हालत ख़राब है। खजुराहो से राजीव शुक्ला के संगे गौरव सिंह बघेल, बुंदेली बौछार के लाने। सागरश्री संभाग का प्रथम NABH सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको एडवांस्ड मशीनरी, आधुनिक CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 1.5 टेस्ला MRI मशीन, 24 घंटे आपातकालीन फार्मेसी सर्विसेज एवं एम्बुलेंस। सागरश्री में संभाग का पहला Level 1 ट्रॉमा सेंटर, संभाग का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, संभाग का पहला फिक्स कैथ लैब, आधुनिक शिशु इकाई। सागरश्री में अब सारे रोगों का एक ही छत के नीचे इलाज और आपके अपनों के लिए ढेर सारा समर्पण। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आने वाले सभी मरीजों का निःशुल्क इलाज। सागरश्री, हमारा उद्देश्य आपका स्वास्थ्य, सदैव आपकी सेवा में तत्पर।
देश को पहलो बुंदेली मीडिया प्लेटफॉर्म बुंदेली बोछार जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन दबाएं, इसके बाद बेल आइकॉन दबाएं और बुंदेली बोछार की पूरी जानकारी समाचार पाएं।